हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉबेरी की डिजीज़ेस के बारे में। स्ट्रॉबेरी में बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं, जो कि हैं पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट ऑफ स्ट्रॉबेरी, लीफ स्कॉर्च, लीफ ब्लाइट, ग्रे मोल्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड एंगुलर लीफ स्पॉट। वन बाय वन करके हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है स्ट्रॉबेरी की, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्पैरोथीका फ्रेगरी। पाउडरी मिल्ड्यू के कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ जहाँ भी होगी वहाँ पर वाइटिस पाउडरी ग्रोथ अपीयर होगी। और बेसिकली ये जो ग्रोथ है, ये जो पाउडरी ग्रोथ है फंगस की, ये स्टार्ट होती है लीफ की सरफेस से और अपर सरफेस के ऊपर ज़्यादा दिखाई देती है। तो सिम्टम्स की बात करें तो वाइटिस पाउडरी ग्रोथ ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ इवन यंग स्टेम, और सीवियर कंडीशन में ये फ्रूट्स के ऊपर भी ये पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसा कि आप ये इमेजेस में देख सकते हैं कि जो लीफ की सरफेस है वो पूरी वाइटिस कलर के पाउडरी सब्सटेंस से घिर गई है, जो कि बेसिकली एक फंगस है। और सीवियर कंडीशंस में ये जो पाउडरी ग्रोथ है ये फ्रूट की सरफेस के ऊपर भी देखने को मिलती है। फंगस की एटियोलॉजी की बात की जाए तो कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं स्पैरोथीका फ्रेगरी। माइसीलियम जो है वो वाइट और सेप्टेट होता है। अब ये आप अगर आपको पता है कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स की फंगस है, तो आप बेसिकली ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो लिख सकते हैं कि क्योंकि एस्कोमाइकोटा की जो फंगस है वो सेप्टेट होती है, उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बेसिकली एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स ही बनते हैं। तो जो जनरल चीज़ें हैं वो अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर कौन सी फंगस कौन से ग्रुप से या कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो आप उसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लिस्टोथीसिया बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी के रूप में, और जिससे एस्कस प्रोड्यूस होते हैं और एक एस्कस में बेसिकली 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मोड ऑफ सर्वाइवल और स्प्रेड की बात की जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस है उसका बेसिकली सेकेंड स्प्रेड या सेकेंड सोर्स ऑफ इनोकुलम जो है वो ऑलमोस्ट एनी टाइम पे कॉनिडिया होगा, और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है वो विंटर माइसीलियम होगा, जो कि डॉर्मेंट बर्ड्स के अंदर सर्वाइव कर रहा होगा, या फिर एस्कोस्पोर्स होंगे एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम। तो ये ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस में या ऑल टाइप के पाउडरी मिल्ड्यूज में सेम रहता है। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस है वो बेसिकली उसको कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कॉनिडियल जर्मिनेशन के लिए लगभग 95% से 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 17-24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये फेवरेबल एनवायरमेंट है। डिजीज साइकिल की बात की जाए तो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है क्लिस्टोथीसिया, जहाँ एस्कस प्रोड्यूस होंगे और एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये एस्कोस्पोर्स जो हैं वो होस्ट की सरफेस के ऊपर जाकर इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, जहाँ से फिर कोनिडिया रिलीज होंगे, और कोनिडिया जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम का काम करेंगे। मैनेजमेंट की बात की जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेस के मैनेजमेंट के लिए हम सल्फर फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं, तो हम वेटेबल सल्फर यूज़ कर सकते हैं 0.3%। इसके अलावा जो डिजीज प्लांट पार्ट है उसको कलेक्ट करके उसको जलाया जा सकता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, जिसमें से आप एक वेराइटी को ध्यान रख लेना अफ्रीकन स्टार, रेजिस्टेंट वेराइटी को यूज़ किया जा सकता है, और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का एक्सेस एप्लीकेशन ना हो या एक्सेस एप्लीकेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए, जिससे हम डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज़ है लीफ स्पॉट ऑफ स्ट्रॉबेरी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है माइकोस्फेरेला फ्रेगरी। लीफ स्पॉट डिजीज़ में क्या होगा, बेसिकली आपको इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम ध्यान में रखना है कि ये बर्ड आई इफेक्ट सिम्टम शो करता है। बर्ड आई का क्या मतलब है कि बीच में जो सराउंडिंग होगी स्पॉट्स की, बीच का जो मिडल एरिया होगा वो वाइटिस अपीयरेंस देगा, और उसके अलावा जो बाहर की उसकी सराउंडिंग होगी वो ब्राउनिश या फिर लेटर स्टेज में ब्लैकिश कलर की हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बर्ड आई इफेक्ट, जो कि लीफ स्पॉट डिजीजेस बेसिकली। अब ये ग्रेप्स में भी एक लीफ स्पॉट डिजीज़ लगती है जिसको हम बोलते हैं बर्ड आई डिजीज़, जो कि कोलेटोट्राइकम के द्वारा कोज की जाती है, तो वो भी एक बर्ड आई इफेक्ट शो करती है। ऐसे बहुत सारे डिजीजेज, तो जिन डिजीजेज के मेजर सिम्टम्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो आप लीफ स्पॉट ऑफ स्ट्रॉबेरी के लिए याद कर सकते हैं कि ये बर्ड आई इफेक्ट शो करता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म माइकोस्फेरेला फ्रेगरी है, जिसमें सेंट्रल जो एरिया होता है वो लाइट होता है और बाहर का जो एरिया है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें बर्ड आई सिम्टम्स जो है उसकी अपीयरेंस आ रही है।
मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसका मैनेजमेंट कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% या कार्बेंडाजिम 0.1% से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है स्ट्रॉबेरी लीफ स्कॉर्च डिजीज़, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है लेप्टोथाइरम फ्रेगरी। लीफ स्कॉर्च डिजीज़ में क्या होगा, स्कॉर्चिंग दिखाई देगी लीफ की, यानी कि थोड़ा सा बर्निंग सा अपीयरेंस होगा, ब्राउनिश जो लेजन्स हैं या जो बाहर का एरिया है लीफ का वो स्कॉर्च ही दिखाई देगा बहुत अर्ली स्टेज में, और उसके बाद में यही एरिया डार्क पर्पल कलर के स्पॉट्स के रूप में अपीयर होगा। अब लीफ स्कॉर्च डिजीज़ में और लीफ स्पॉट डिजीज़ में बेसिकली इतना डिफरेंस है कि लीफ स्कॉर्च डिजीज़ में जो स्पॉट्स बनते हैं वो बर्ड आई अपीयरेंस नहीं देते हैं, या उनका जो सेंट्रल एरिया होता है वो लाइट या वाइट कलर का नहीं होगा। इसके जो पूरा जो स्पॉट का जो कलर होगा वो ब्राउनिश कलर या डार्क पर्पलिश कलर का होगा। मैच्योर कंडीशन द लीफ स्कॉर्च स्पॉट्स आर लार्ज एंड इररेगुलर इन आउटलाइन एंड नेवर शो द वाइट सेंट्रल एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीफ स्पॉट सिम्टम्स लीफ स्पॉट डिजीज़। ये वाइट सेंट्रल एरिया इसमें अपीयर नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउनिश कलर या हम बोल सकते हैं डार्क ब्राउनिश कलर के जो लीजन्स और स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर होंगे और इनकी आउटलाइन जो है वो भी इररेगुलर होगी। डिजीज साइकिल की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी के जो लीव्स हैं जो कि गिर जाती हैं विंटर में, और जो भी मतलब फॉलन लीव्स हैं उसके ऊपर ये पैथोजन जो है वो सर्वाइव करता है। इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं और एस्कोस्पोर्स जो हैं वो प्राइमरी इन्फेक्शन की तरह प्राइमरी इन्फेक्शन करने का काम करते हैं, और कोनिडिया जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के रूप में वर्क करते हैं। अगर बहुत सूटेबल कंडीशंस मिली तो एस्कोस्पोर्स जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए वही हम हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल को यूज़ करेंगे, हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करेंगे, और फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन करने में ध्यान रखेंगे और एक्सेस फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है लीफ ब्लाइट ऑफ स्ट्रॉबेरी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है डेंड्रोफोमा ऑब्सकरेंस। ये डिजीज़ बेसिकली कैलिक्स के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले रेडिश पर्पल कलर के जिसकी कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर आउटलाइन होगी, जैसे स्पॉट्स जो हैं वो फर्स्टली अपीयर होंगे लीफ की सरफेस के ऊपर, और वाइट सेंट्रल एरिया जो कि लीफ स्पॉट डिजीज़ में बन रहा था वो ना तो लीफ स्कॉर्च डिजीज़ में बनेगा और ना ही इसमें बनेगा। तो वाइट सेंट्रल एरिया जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लीफ स्पॉट का वो यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसका अगर एक बेसिक से सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें वी शेप्ड के लेजन्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये वी शेप के जो ब्राउनिंग एरिया हो रहा है जो कि एक येलो लाइनिंग के द्वारा कवर्ड है, वो जो है वहाँ पे वी शेप के लेजन्स बन रहे हैं जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है ग्रे मोल्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है क्योंकि ये स्टोरेज कंडीशन में या हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी को डिक्रीज़ करती है स्ट्रॉबेरी की, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है बोट्राइटिस सिनेरिया। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले ग्रे मोल्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी में ऐसा नहीं है कि जो फंगस की ग्रोथ है वो फ्रूट के ऊपर जब आती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर या तो बेस से आएगी या टिप से आएगी, हम ऐसा नहीं बोल सकते, वो कहीं से भी ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है फंगस की। पर बेसिकली अगर हाफ मैच्योर्ड फ्रूट्स होंगे तो उनमें बेस पोर्शन से स्टार्ट होती है बोट्राइटिस जो है उसकी ग्रोथ। इन्फेक्शन ऑन द बेरीज में अपीयर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अपीयर हो सकते हैं, लेकिन हाफ ग्रोन जो फ्रूट्स हैं उसमें बेसिकली देखा जाता है कि बेस ऑफ द फ्रूट से ही इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। कुछ इस तरीके की बोट्राइटिस सिनेरिया से इन्फेक्टेड होने के बाद स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट्स हैं वो कुछ इस तरीके के अपीयरेंस देंगे। मैनेजमेंट की बात की जाए तो जो डिजीज्ड फ्रूट्स हैं या डिजीज पार्ट है उसको पिक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और एक्सेस इरिगेशन को अवॉइड किया जा सकता है ताकि डिजीज़ और बहुत ज़्यादा पूरे फील्ड में ना फैले। फंजीसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा हम कैप्टान या बेनोमिल 0.1% या मैनकोजेब 0.2% का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी की नेक्स्ट डिजीज़ है एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज़, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जेंथोमोनास फ्रेगरी बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है। इसको सबसे पहले मिनियोस्टा जगह में खोजा गया था 1960 में। इसमें क्या होगा, वाटर शॉक लेजन्स जो हैं, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ में बेसिकली वाटर शॉक लेजन्स बनते हैं, तो वाटर शॉक लेजन्स जो हैं वो लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर सबसे पहले दिखाई देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जब ये स्पॉट्स की साइज़ बढ़ने लगेगी तो ये एंगुलर फॉर्म में दिखाई देने लगेंगे। लेटर स्टेज में इस डिजीज़ के कारण
जो प्लांट है उससे एग्जीक्यूट निकलने लग जाता है, जो भी एक एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बोलें तो जेंथोमोनास फ्रेगरी का जो इन्फेक्शन है वो सिस्टमिक टाइप का इन्फेक्शन होता है, और इसमें मेनली बात याद रखने वाली है कि वाटर शॉक लेजन्स अपीयर होंगे और एग्जीक्यूट रिलीज होगा, जो कि इसके आइडेंटिफिकेशन का मेन सोर्स है और ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है। एपिडेमोलॉजी की बात की जाए तो अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश रहेगी तो इसके लिए फेवरेबल होगा। 20 डिग्री सेल्सियस या नाइट के टाइम पर कम टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है। अप्रोक्सीमेटली 90-100% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज प्लांट पार्ट को हम पिक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक्सेस इरिगेशन को अवॉइड किया जा सकता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.05% का स्प्रे करना भी इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव है।